हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर अनीस। आज आप लोगों को डिस्पिनोरिया के बारे में बताएंगे। तो डिस्पिनोरिया कहते किसको हैं पहले ये आप बताएंगे, उसके बाद इसका काउजेज बताएंगे और उसका साइन और सिम्टम बताएंगे। तो डिस्पिनोरिया कहते किसको है? पेनफुल मेंसेस को ही डिस्पिनोरिया कहते हैं। इसे आसान भाषा में जाने कि महिलाओं में जो महीने में 5 दिन महामारी का प्रॉब्लम होता है, पीरियड का 5 दिन का, उसमें पेन बहुत ज़्यादा पेन हो, उसी को डिस्मेनोरिया कहते हैं। मतलब पेनफुल मेंसेस को हैं डिस्मेनोरिया कहते हैं। तो इसका कारण को इस तरह से बांट सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में कोई कारण न होने पर भी ऐसा होता है, दूसरी है कि सेकेंडरी। तो सेकेंडरी है या यूट्रस में या बच्चेदाने में कोई प्रॉब्लम हो, उसके वजह से पेनफुल मेंस का प्रॉब्लम होता है। तो ये सब काउजेज है। और सिम्टम बहुत ही आसान भाषा में आप जान जाए, सिम्टम जो है लोअर एब्डोमेन में पेन, मेंसेज के दौरान बैक साइड में पेन, कमर साइड में पेन, और उस पेन के दौरान उल्टी, घबराहट, इरिटेशन, ये सब होता है। तो इसका सिम्टम है। तो इसके लिए कौन सा होम्योपैथिक मेडिसिन कारगर है वो आज हम आप लोगों को बतला रहे हैं। उसी को अंग्रेजी भाषा में डिस्पिनोरिया कहते हैं। डिस्पिनोरिया को आप जानेंगे पेनफुल मेंसेस, पीरियड के दौरान जो बहुत ज़्यादा दर्द होता है एब्डोमिनल लोअर एब्डोमिनल रीजन में, पेल्विक रीजन में, तो उसी को डिस्मिनोरिया कहते हैं। साथ में कमर साइड में दर्द होता है, फिर पैर में भी हल्का दूसरे बेचैनी, उल्टी, ये सब बहुत ज़्यादा भयानक दर्द होता है। तो इसके लिए एक बहुत ही होम्योपैथिक में कारगर मेडिसिन है, उस मेडिसिन का नाम है डाइसमिन, जो आप लोगों को हम इस वीडियो से माध्यम से आप लोगों को दिखला रहे हैं। तो ये 25 ग्राम का छोटा भी और बड़ा साइड में भी, बड़ा बड़ा बोतल में भी मिलता है डाइसमिन जो है। तो डाइसमिन में कौन कौन सी मेडिसिन डली हुई है वो भी आप लोगों को बतला रहे हैं। तो डाइसमिन में बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन डली हुई है। जैसे पहली तो मेडिसिन है कोलीफाइलम। तो कोलीफाइलम मेडिसिन बहुत ही बेटर मेडिसिन है पेनफुल मेंसेज के लिए, बहुत ही बेटर मेडिसिन है। और भी इसका बहुत सारा सिम्टम है, जैसे हार्मोनल चेंज के दौरान जो इस टाइप का प्रॉब्लम होता है उसमें भी कोलीफाइलम मेडिसिन बहुत ही बेटर काम करती है डिस्मोरिया इन्फ्लुएंसेस के केस में। उसके बाद एक और मेडिसिन है सिमेसिफ्यूगा। तो सिमेसिफ्यूगा मेडिसिन भी बहुत ही बेटर मेडिसिन है। इसमें ही बहुत ज़्यादा पेन होगा, पीरियड भी इसका जो होता है इरेगुलर पीरियड है उस केस में भी ये काम करती है सिमेसिफ्यूगा। उसके बाद एक और मेडिसिन है मैग्नेशिया फॉस्फोरिका। तो मैगफॉस मेडिसिन जो है, ये मेडिसिन जो है पेनफुल मेंसेस के लिए बहुत ही बेटर है। और कहीं भी दर्द हो ये मैग्नेशिया फॉस्फोरिका मेडिसिन बहुत ही बेटर काम करती है। उसके बाद एक और मेडिसिन है बाइवेरना। तो ये भी मेडिसिन बहुत ही बेटर मेडिसिन है, या यंग लड़कियों के केस में इस डिस्मोरिया के जो केस है पेनफुल मेंसेस के केस में, यंग लड़कियों के केस में बहुत ही बेटर ये मेडिसिन काम करती है। उसके बाद एक और मेडिसिन है कैक्टस। तो ये भी मेडिसिन बहुत ही बेटर काम करती है मेंसेस के दौरान दर्द जो पेल्विक रीजन में हो, लोअर एब्डोमेन साइड हो, ये सारे मेडिसिन जो है बहुत ही बेटर काम करती है डिस्मोरिया केस में। अब इसे लेना कैसे है? तो लेने के लिए डाइसमिन में छोटा गोली भी आता है, बड़ा गोली आता है।
अभी छोटा गोली है उसे दो दो गोली सुबह दोपहर सामने, बड़ा गोली चार चार गोली सुबह दोपहर सामने, बहुत ही बेटर काम करती है डिस्मेनोरिया केस में। और ऐसे तो आप जानते हैं कि होम्योपैथिक में सिम्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। तो जो डाइसमिन मेडिसिन है इसमें सारे मेडिसिनों का मिश्रण है, एक पेटेंट मेडिसिन है, एसबील कंपनी की है, ये अच्छा काम करती है। और सिम्टम के अनुसार बहुत सारे जो फिजिशियन है, किसी को सिनुस फीवर कैसे हो सा दे मैकफॉस भी किसी को, तो किसी को पॉलीफाइला मेडिसिन और बहुत सारे मेडिसिन दिए जाते हैं। ऐसे एक पेटेंट मेडिसिन है जो डिस्मोलिया केस में आप बस जान जाए बहुत ही बेटर काम करती है। खाने का तरीका है, अगर बड़ा गोली है तो दो दो गोली लें, और दिखने में छोटा गोली है तो सील पैक है दोस्तों, इसे भी तोड़ नहीं रहे हैं, छोटा गोली है उसे दो दो गोली आप सुबह दोपहर शाम खाएं, तो डिस्मेनोरिया केस में बहुत ही बेटर काम करती है डिस्मेन जो मेडिसिन है। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। आगे भी हम इस तरह बताते रहें, मेरे चैनल में कुछ प्रॉब्लम आ जाने के कारण हम वीडियो तो बना रहे थे लेकिन बेहतर ढंग से कुछ नहीं बतला रहे थे, और भी हम बेहतर ढंग से भी नहीं बतला रहे हैं, हो सकता है और भी हम बतलाने का बेहतर ढंग से कोशिश करें। तो डाइसमिन मेडिसिन जो है डिस्मोरिया केस में बहुत ही बेटर काम करती है।